वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 81 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर का अंडर रूट का सॉल्यूशन, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हम जानेंगे आखिर बिना कैलकुलेटर को यूज किए हम इस क्वेश्चन को काफी कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हरदम सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाए तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। या जो क्वेश्चन है वो आप चाहे क्लास 8 के स्टूडेंट हो, क्लास 9 में पढ़ते हो, या फिर क्लास 10th में पढ़ते हो, या फिर अगर आप कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको यह सीखना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे आखिर इसको हम कैसे सॉल्व करें काफ़ी कम समय में और हमारे पास कैलकुलेटर ना हो, और हमें मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना, 81 का स्क्वायर निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, फिर 18 का स्क्वायर करना उसके लिए भी क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो हम ये जानेंगे कि आखिर हम बिना मल्टीप्लीकेशन किए, बिना कैलकुलेटर को यूज किए इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे है 81 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख पाएंगे एक बार 81 प्लस 18 और एक बार लिख पाएंगे 81 माइनस 18। ठीक है, तो जब हम 81 में से 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 63 अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में क्या आ गया 63। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 11 और 63 को हम लिख पाएंगे 9 इंटू में 7। तो आप सभी को पता होगा जब भी अंदर दो पेयर क्रिएट हो जाते हैं तो उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 दो बार आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार 9 और रूट में 11 इंटू में 7, ये हो जाएगा 77। तो ये आपका था रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी टाइप के और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग मैथ्स के प्रॉब्लम डेली सॉल्व करने को मिलते रहे। थैंक यू।